के जहाज है हमारे भाई जी, उन्हें हमें दे सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के द्वारा। मेरा नाम है अजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्लॉग 888। दोस्तों, मैं करा रहा हूँ आपकी हरियाणा से साइकिल पर मणि यात्रा और करा रहा हूँ आपको हमारी संस्कृति और आस पड़ोस के राज्यों से रूबरू। आपने भी हमारी पिछली वीडियो में देखा जो कि हमने दिखाया श्री माँ भादरी राय जी का प्राचीन मंदिर। तो दोस्तों, अभी दर्शन करके हम चलते हैं और आगे की हमारी यात्रा पर। तो करवाते हैं आज फिर एक और नए एडवेंचर भरी खूबसूरत सी वीडियो से आपका रूबरू। और देख सकते दोस्तों, जो कि आज हम यहाँ से लेकर और आप पीछे तक देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम अकेले ही हैं जंगल के अंदर। और इधर आप इधर से भी देख सकते हैं दोस्तों, कुछ नहीं है, सिर्फ हम ही हम हैं और आप हो। तो मिलते हमारी यात्रा के दौरान। फिर से कर दिया हमने अपनी आगे की यात्रा तैयार। दोस्तों, कृपया भाई को सपोर्ट जरूर किया करो। देख सकते हैं आप हमारी वीडियो द्वारा राजस्थान के अंदर जो कि रेगिस्तान के जहाज हैं, अभी शुरू हो गए हैं यहाँ दिखाई देने। और आगे फिर कराता हूँ इनके झुंड से आप करो आपको पुल से, ये आगे का भी देख सकते हैं। फिर से कराता हूँ आज आपको आगे की संस्कृति से और भी रूबरू, जो कि दूर दूर तक ये इधर पपीते की खेती की जा रही है। मेरे को तो पपीते ही लग रहे थे, लेकिन आप भी बताना दोस्तों ये क्या है। और देख सकते हैं आप ये इधर का भी, और इधर से आप देख सकते दोस्तों जो कि दूर दूर तक सारा इलाका मंजर है, देख सकते हो। कि अभी आप हमारी वीडियो द्वारा देख सकते हैं जो कि हम थार के रेगिस्तानों में प्रवेश कर चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये थार का एरिया आ चुका है, पीछे हमने दिखाया आपको, और ये थार रेगिस्तान आ चुका है दोस्तों। और ये सेना की गाड़ियाँ देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आ रहे हैं कदम से कदम बढ़ाते अपनी मंजिलों की तरफ जाते हुए। रात को हम आए थे यहाँ हमारे राजस्थान राज्य के जिला जो कि जैसलमेर का एक और गांव भोज का, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हो ये हमारा बिजली बोर्ड है यहाँ पर। और हमारे भाई जयप्रकाश जी, इनसे हमने रात को रुकने के लिए अनुमति ली, तो भाई ने बहुत ही आदर सत्कार से हमें अनुमति दी। और अभी सुबह चलते हम अपनी आगे की यात्रा पर। पवित्र स्थान बनाए, स्कूल जैसा दिखता है, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप जो कि जैसलमेर के नज़दीक हम जाने वाले। और मुझे अपने रास्ते में पहली गाड़ी हमारी HR 56 और हमारे भाई साहब जो कि असंध से हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद ये हमें मिले यहाँ पर। तो अभी हम रुके थे पीछे हमारे भाई के पास जो कि हरियाणा से थे, HR 56 की गाड़ी लिए हुए थे वो जीन से। तो दोस्तों, फिर से चल पड़े हम आगे की एक और यात्रा के द्वारा कुछ देर के लिए बासन पीर जो कि जैसलमेर जिला में है। और ये हमारे भाई जियों ने हमें इधर आवाज़ दे के बुलाया कि भाई जी एक बार रुको, कहाँ से कैसे आए हो। तो हमने अपना परिचय दिया, तो भाई जियों ने हमारा बहुत ही आदर सत्कार किया। और अभी चलते हमारी आगे की यात्रा। दोस्तों, अभी हम रुके थे बासन पीर गांव के अंदर और वहाँ पर हमारे कुछ हमें बुलाया, तो हमने अपना परिचय दिया। तो दोस्तों, हम हर जगह अपना भाईचारे का संदेश देते हुए फिर से निकल पड़े अपने आगे के मंजिल की। देख सकते हैं दोस्तों जो कि ब्लैक मैस वॉरियर्स, ये सामने एक तोप दिखाई गई है दोस्तों, जो कि गोले फेंकने का यंत्र बताया जाता है दोस्तों, जो कि जैसलमेर का युद्ध हुआ था तब इन्हीं हथियारों द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी, ये म्यूजियम बताया जाता है इधर का। और सामने देख सकते जो कि हमारे सेना के जवान भी तैनात है, और उधर सामने तो चलते हैं फिर इसे अपने आगे की तरफ, जो कि आप सामने देख सकते हैं यही हमारे देश के उन शेर हैं जो तैनात किए गए हैं यहाँ पर, जो कि हमने हमारे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये अंदर जाना हमें अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ आपको ये कुछ तस्वीरें। और इधर सामने हमारा भारतीय झंडा, जो हमारा तिरंगा देख सकते हैं दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ये ही हमारी एकता का और हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। देख सकते हैं जो कि हमारी वीडियो द्वारा जो कि इधर टैंकर से
मोर्चा लगाया गया यहाँ पर हमारी सेना के जवानों द्वारा। हमने आपको दिखाया वो जो कि जैसलमेर युद्ध के समय जो जिन तोपों से लड़ाई हुई थी, और अभी हम फिर से चल पड़े अपने आगे की यात्रा पर। और देख सकते हैं जो कि सेना की गाड़ियाँ कितने ही अच्छे तरीके से अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए देख सकते हैं दोस्तों आप सामने, जो कि वो सामने से टैंक वगैरह आ रहे हैं हमारे सेना के जवानों द्वारा ले जाए जा रहे हैं। प्रणाम है हमारे ऐसे शहीदों को, ऐसे देश के रक्षकों को। देख सकते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि पहाड़ को काट कर इधर से रास्ता बनाया गया है। दोस्तों आज आपने लिया नज़ारा हमारी वीडियो के द्वारा रास्ते के उन ऐसे पलों का, जो कि हमने ट्रैवल करते वक्त दिखाया आपको, और हमने दिखाए कुछ अपरिचित लोग जो कि हमें देखते ही बहुत खुश हो गए, और हमने दिखाया आपको वो जैसलमेर युद्ध के समय वो हथियार उपयोग किए गए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, कृपया आप सोचते हो मैं हर कहीं खड़ा होकर हर कहीं पे आपसे वार्ता करने लग जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि लोकेशन ही ऐसी होती है हमारे पास जिस, क्योंकि मेरे को आपसे बात करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप मेरे भाई हो, मेरा परिवार हो। तो दोस्तों कृपया भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि आप हमारी वीडियो में देख सकते हो कि हर जगह मैं जाता हूँ कृपया हमारा भाईचारा ही काम आता है, और नए नए अपरिचित व्यक्ति ही हमारे साथ भाईचारे की शक्ति में बन जाते हैं। तो दोस्तों कृपया नशे से ही बचें, इस अंधकार के रास्ते में न जाके दोस्तों परमात्मा का सिमरण करो, छोटे बड़ों की सेवा कर, उनसे आशीर्वाद लो, और माता पिता की सेवा तत्पर करते रहो दोस्तों, क्योंकि उनकी सेवा ही आपके समय को कष्टमय होने से बचा सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने हरियाणा भ्रमण साइकिल की एक और आगे की यात्रा के द्वारा। तो भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, जय हिंद।